और एक चीज़ मेरे को और बतानी थी कि जो TR की फ़ीस होती है ना, जो उनकी फ़ीस होती है ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट की, अब आप लोग को तो मेरी किस्मत पता ही है। सोचो गलती से हैंड ब्रेक छूट जाए अपने आप और गाड़ी फिर सीधा नहीं छूटेगी, ऐसे गलत नहीं बोलती। तो भाई लिटरली भाई मेरी TR आ गई है विद इन 1 डे। पर मैंने सुना भाई वेटिंग बहुत है जी वैगन में, काफ़ी लोगों की TR रिफ्यूज़ हुई है। पार्टनर वीज़ा 9,000 डॉलर का 5 लाख रुपए हो गए करीबन। देखो भाई घर पे घुसाऊँ नोनू के जॉर्डन्स की सोल फाड़ दी भाई साहब ने। TR के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है अब वेरी गुड मॉर्निंग हर का चैनल तुषार बरेजा। भाई इतनी ज़्यादा खुशी पता है क्यों हो रही है? आप लोग देख रहे हो मेरे चेहरे पे खुशी। अब भाई वो हो गया, क्या बोलते हैं, मेरी TR आ गई भाई, टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा 485, नो मोर स्टूडेंट वीज़ा। और कब अप्लाई करी, कैसे आई, आपने तो हमको बताया नहीं। पता नहीं TR का शायद बताया कि नहीं, बट TR मैंने अप्लाई करी थी करीबन ये लगा लो 1 महीने पहले, ठीक है। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, और आए भाई कल। तुषार भाई 1 महीना लग गया, कैसा प्रोसेस होता है? काफ़ी सारे लोगों ने भी बोला कि समझा देना, ठीक है, वर्क परमिट का प्रोसेस। तो हाँ, वर्क परमिट, टेम्प्रेरी वीज़ा, 485, इन तीनों में से मैं कोई भी वर्ड बोलूँ वो एक ही है, ठीक है। तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद, मास्टर्स ख़त्म करने के बाद, या फिर अगर आप लोग बैचलर्स ख़त्म करते हो, यू गेट दी ऑप्शन ऑफ गेटिंग 485। तो कितने साल की आई, कैसे आई? वैसे सच्ची बताऊँ 1 दिन में ही आ गई, ठीक है। कैसे आई आप लोग आगे पता चलेगा। अगर आप लोग नए हो चैनल पे, नीचे लाल के सब्सक्राइब बटन है, जाके आप लोग दबा सकते हो। अभी तैयार होकर मैं क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भाई जा रहा हूँ गगन भाजी के ऑफिस, ठीक है, क्योंकि भाई उन लोगों ने अप्लाई करी थी एंड इत्यादि हमेशा से हेल्प कर रहे हैं, मेरा स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन और आप लोग की भी, ठीक है। जो लोग उनके थ्रू अप्लाई करते हैं तो मैंने उनको ज़रा थैंक यू बोलना बनता है, उनके लिए थोड़ी चॉकलेट वगैरह लेके चलते हैं उनकी एंड टीम के लिए, एंड थैंक यू बोल कर आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें पूछ के भी आएंगे। तो चलते हैं भाई। अब आप लोग को तो मेरी किस्मत पता ही है। सोचो गलती से हैंड ब्रेक छूट जाए अपने आप और गाड़ी फिर सीधा नहीं छूटेगी, ऐसे गलत नहीं बोलते। पूरी भाई ढलान पे लगा रखी है, देखो येरी रोड और पूरी ढलान पे खड़ी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, इसको भी धोएंगे आज शायद मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई बारिश वाला मौसम है, मेलबर्न में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सोचो मैं धो के लाया अच्छे से, ठीक है, फिर गंदी होगी फिर हैं। और 2 ऑप्शन होते हैं धोने में, 3 होते हैं। एक तो मशीन वाली में डालो जिसमें वो फटफट घूमते हैं, एक खुद धो लो और एक किसी और से धुलवाओ। तो जो लोग धोते हैं दे विल चार्ज ऑफकोर्स ज़्यादा, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी 80-80 डॉलर की भी धुलवाई है भाई, 50-80 की धुलवाई है, हाँ 50-60 जब उनका रेट था तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी बाहर से धुलवाने लायक, मैं खुद ही धो लेता था। बट ये गाड़ी को बाहर से धुलवाता हूँ तो इट कॉस्ट अ लॉट, तो मतलब बाहर से धुलवाई, बाहर और अंदर से, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा मेरी नींद में मेरा प्रोसेसर रैम स्टार्ट हुई है अभी, तो अटक रहा हूँ, बाकी ठीक है। हाँ तो खुद से धोएंगे, देखते हैं, पहले ऑफिस चलते हैं भाई, लेट हो रहे हैं। मैंने 10 बजे बोला था पाजी को, 10-11 हो गए अभी ऑलरेडी। लगती है भाई, ये सुंदर गाड़ी है। पर मैंने सुना भाई वेटिंग बहुत है जी वैगन में, इसलिए मैं अभी वेट ही कर रहा हूँ कब जेब में पैसा आए। पहले मेरे को कोल्स या बुलीस पर रुकना है, वहाँ से सामान उठाऊंगा मतलब चॉकलेट्स वगैरह, और फिर पाजी के पास चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है भाई आज, क्योंकि जब स्टूडेंट वीज़ा तो था मेरे पास, स्टूडेंट वीज़ा मेरे पास अगस्त तक था अभी, बट मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, उसके विदिन 2 मंथ्स यू हैव टू अप्लाई फॉर अ TR, ठीक है। पढ़ाई ख़त्म हुई फिर उसके बाद मैंने कर दिया अप्लाई। थोड़ा टाइम लगा, 2-3 हफ्ते लगे अप्लाई करने में, अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद क्या सीन बना कि आगे भाई पुलिस। चॉकलेट्स तो ये रही, पर मेरे को बॉक्स टाइप चाहिए कुछ, वो तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। फरेरो रोशर का बॉक्स आता है ना पूरा, वो नहीं मिल रहा। गगन भाजी भी जाएंगे, देखो हम भी देख रहे हैं कहाँ से ले रहा है, क्या कर रहा है। लिंट वाला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ से उठा लिया भाई हमने ये वाला बॉक्स, ये लगा तो हुआ है, पर गाइस बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, वो या ये? अब तो मैंने उठा लिया, खैर ये बढ़िया लग रहा है। उनको और बड़ा बॉक्स होता तो वो ले लेते, बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो नाइस। बड़ा लग रहा है, थोड़ा देने में अच्छा लगेगा ये वाला। और यहाँ से ऑफिस ना बिल्कुल पास ही है, 2 मिनट दूरी है, तो उठा लिया भाई अपना। चलते हैं भाजी के पास, अलग ही खुशी हो रही है मेरे को। सुबह सुबह ना मेल आ गया कि आपकी TR आ गई। मैं कहा वाह, चलो अभी चलो पाजी बस। तो भाई फाइनली हम लोग आ गए, वहाँ पर है ऑफिस ऊपर, और गाड़ी लगा दी है 2P पार्किंग में। यहाँ पर बड़ी सारी पार्किंग है, 1 घंटे की फ्री है, फिर वहाँ पे आधे घंटे की है, 15 मिनट की है। वो वाली जो लाल गाड़ी खड़ी, लाल गाड़ी के उस तरफ जो खड़ी ग्रे वाली, 15 मिनट की है, वो 1 घंटे की। ये पूरी 2 घंटे की पार्किंग है, यहाँ बढ़िया रहता है। तो भाई हम लोग अभी ऑफिस में आ गए हैं एंड गगन पाजी अंदर है भाई रूम में। ये देखो, पहले ये वाला ऑफिस हुआ करता था, अब ये सामने वाला हो गया। यहाँ चलते हैं, नॉक नॉक भी नहीं हुआ। भाजी आ जाऊँ? जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? ऑल गुड पाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच TR के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशंस भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू। तो भाई लिटरली भाई मेरी TR आ गई है विद इन 1 डे आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर सबमिटिंग, ये पूरी बात ये वाली है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पाजी, इतनी जल्दी सारा प्रोसेस करने के लिए। हम लोगों ने 1 महीने पहले अप्लाई करी थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बट यू नीड टू बुक अ मेडिकल आफ्टर दैट। जैसे ही आप लोगों का मेडिकल बुक हो जाता है, मान लो आप लोगों को 2 दिन बाद की डेट मिल गई, मेरे को महीने बाद की मिली। जैसे ही मेरे को डेट मिली, नेक्स्ट डे PR आ गई, ओ TR आ गई सॉरी। और पाजी ये बताओ कि सबसे जल्दी आई है लोगों की, मतलब 1-1 दिन में? हाँ, बस सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद तो यस ऑफ कोर्स। जैसे कोई लास्ट डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड आया, जैसे किसी के PR के टाइम पे तो कई बार लोगों के ना पैसे वो एंड में रिक्वेस्ट करते हैं, अगर पार्टनर की इंग्लिश ना हो, तो जैसे ही पैसे सबमिट करे, रिसीट भेजी, हाथ के हाथ PR आ गई। ओ, तो ये ऑटोमेटेड होती है? नहीं, ऑटोमेटेड नहीं होती है, और काफी बार होता है। जैसे मेडिकल आए, जैसे मेडिकल हुए PR आ गई, तो इस तरह से काफी बारी लास्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करते ही PR या TR जो भी वीजा लॉन्च किया हो। और लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए जब लोग TR अप्लाई करें? TR तो क्या, कोई भी अगर वीज़ा अप्लाई करते हो तो यही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ लॉन्चमेंट ही सबमिट कर दो, ताकि अगर बाय चांस केस ऑफिसर को किसी में डाउट है, कोई रिक्वेस्ट करना, तो वो कर सके। अगर आप पहले ही डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करोगे, 2-4 डॉक्यूमेंट शॉर्ट रह जाएंगे, तो पहले बंदा केस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स फिर पूरे नहीं हुए, कुछ उधर रिफ्यूजल के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और कई बार केस ऑफिसर रिक्वेस्ट नहीं भी करता, जरूरी नहीं है केस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा। तो इसलिए हमेशा ये तो मूल मंत्र बना लो कि अगर फाइल लॉन्च करी है तो डॉक्यूमेंट साथ के साथ सारे अपलोड करो, कोई भी चीज़ पेंडिंग मत छोड़ो। अगर मेडिकल रिक्वेस्ट आती है तो वेट मत करो केस दोबारा रिक्वेस्ट करने की, ऑटोमेटिकली अगर मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई है तो ऑटो रिक्वेस्ट के ऊपर, मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रहा था, काफी लोगों की TR रिफ्यूज हुई है। हमारे पास काफी केसेस आए हैं जो ऑटो रिक्वेस्ट मेडिकल के, उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया और 28 दिन के बाद उनकी फाइल रिफ्यूज करती। तो इसलिए डॉक्यूमेंट सबमिट करो, कोई भी ऑटो ईमेल आती है उसको अच्छे से पढ़ो, और जो जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे करो। मेडिकल आते ही बुक करा के उनको अपडेट भी करो कि मेडिकल बुक करा दिया। सिर्फ बुक कराने से उनको नहीं पता चलता कि मेडिकल बुक करा दिया, क्योंकि BUPA और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट सीधे ऐसे कनेक्टेड नहीं है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स वो देख सके। तो अगर अपॉइंटमेंट ली हुई है तो डिपार्टमेंट को बताओ कि अपॉइंटमेंट ली हुई है और इस डेट को अपॉइंटमेंट है, ताकि केस ऑफिसर वेट करे। तो जैसे मेरा भी सीन ऐसे ही हुआ था कि मैंने सारे फाइल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो मेरे को होलिस्टिक के ऑफिस से फ़ोन आया कि आप अपना मेडिकल बुक करके हमको नोटिफाई करो, ठीक है। और फिर मैंने नोटिफाई करा, मेडिकल बुक करके डेट, जैसे डेट जो भी आप लोगों को डेट मिली अर्लीस्ट, वो बुक कर लो और नोटिफाई करो। नोटिफाई नहीं करोगे तो योर वीज़ा कैन बी रिजेक्टेड। यस, ये चीज़ बड़े सारे लोगों के साथ हुई है ना? हुई है क्योंकि उन्होंने ऑटो जो लेटर आती है उसके अगेंस्ट मेडिकल नहीं बुक कराए थे और ना ही डिपार्टमेंट को नोटिफाई किया। तो जो बच्चे भाई खुद से भी अप्लाई करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग खुद ही कर देंगे, मेरे भी थोड़े से दोस्त थे 1-2, उन्होंने खुद ही अप्लाई करी थी, उनको भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए थे। एक का तो भाई PT का रिजल्ट नहीं आया था और उसी दिन उसको अप्लाई करना था, वो PT वालों से लगा हुआ है फ़ोन करके कैसे करना है। तो मैं तो भाई यही प्रेफर करता हूँ कि अगर आप लोगों को अपना वीज़ा अप्लाई करना है, गेट इट डन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, ताकि आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं आए। और हमारी रिकमेंडेशन चाहिए तो गगन पाजी ऑलवेज हेयर, ठीक है। आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हो होलिस्टिक माइग्रेशन सोल्यूशन से। इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, जो भी आप लोगों की क्वेरी है। अपना डिस्क्रिप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, जैसे आप लोगों की कंडीशन है कि मेरे को इस चीज़ में हेल्प चाहिए, इस चीज़ में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, TR में, कोर्स चेंज में, कि आप लोग आ रहे हो, आपको लग रहा है भाई मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है पढ़ाई, जैसे मेरे साथ था अकाउंटिंग में। तो कोर्स चेंज करने के लिए यू कैन डेफिनेटली कम हेयर एंड थैंक यू गगन पाजी अगेन। और एक चीज़ मेरे को और बतानी थी कि जो TR की फ़ीस होती है ना, जो उनकी फ़ीस होती है ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट की, कितने घटे थे? 1700 होती है ना? 1700 डॉलर फ़ीस होती है TR की, और $400 का मेडिकल है ना, तो $2100 भी तैयार रखना जब आप लोग TR डालो। डिपार्टमेंट की फ़ीस होती है जो आप लोगों से होम अफेयर्स वाले लोग लेते हैं। तो जब स्टूडेंट वीज़ा सस्ता होता है ना, वैसे स्टूडेंट वीज़ा 700 का होता है, ये TR भाई ऑस्ट्रेलिया में पार्टनर वीज़ा 9,000 डॉलर का, 5 लाख रुपये हो गए करीबन। तो हाँ, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पढ़ाई तो ख़त्म होगी, अब भाई ग्रेजुएशन के भी पैसे देने होते हैं हमको, तो ऑस्ट्रेलिया में खर्चा होता ही रहता है भाई। तो ऑलवेज़ यू नो save up for yourself for things which can be unpredictable anytime. Thank you Gagan bhaji, thank you so much. इतना बढ़िया, मेरा स्टूडेंट वीजा भी बहुत जल्दी आ गया था, ये वाला भी. भाई बारिश हो गई एकदम से इतनी तेज, घर से निकला तो ठीक ठाक था मौसम, लग ही रहा था बारिश की नियत तो लग रही थी होएगी, पर अब तो बहुत तेज हो गई भाई एकदम से. देखो भाई घर पे घुसा हूं, नोनू के जॉर्डन्स की सोल फाड़ दी भाई साहब ने. कैंसो हाँ ले ले उबासी आप, क्या किया ये? अरे भाई हमारा बीमार हो गया था, क्या किया ये? देखो सॉरी बोलेगा अभी मेरे को, क्या किया ये? देखो एक चीज समझ आती है, डांट पड़ती है तो क्या किया, देखो हाथ देखो क्या किया ये कैंसो. इसके हाथ पे ना इन्फेक्शन हो गया था, ये देखो अपने हाथ ही खा रहा था भाई खुद बाल से. तो ये पिछले थोड़े दिन तक ऐसे था, साइड में देख सकते हो आप लोग क्लिप, टोपी वो पहनी हुई थी, कवर हेलमेट टाइप, ताकि अपने बाल ना फटे, दवाई चल रही थी इसकी नॉर्मल. तो ये सब चीज़ें भाई मैं दिखाता नहीं इतनी ज़्यादा, बट ऐसा भी नहीं होता ना कि हमारी लाइफ में हमेशा अच्छा अच्छा चल रहा होता, हम ब्लॉगर है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है भाई ऑन एंड ऑफ. ये देख लो जैसे मेरा पहले वॉलेट फाड़ा, क्या किया ये है. तो भाई घर पे आके मैं थोड़ा सो गया था, ठीक है. अभी आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए वाइल अप्लाइंग फॉर योर टेम्परेरी वीजा हेयर इन ऑस्ट्रेलिया. अब मैं आप लोगों को अपना सीन बताता हूँ कि मैंने जब मैं स्टूडेंट वीजा पे आया था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद मैंने नई डिग्री के लिए अप्लाई किया, फिर मेरे को एक और बार वीज़ा चाहिए था, मेरा वीज़ा आया, ठीक है. उसके बाद हमने करी TR अप्लाई. TR के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है भाई, क्या होता है, एक सीन यहाँ लिख रखे हैं मैंने, कुछ गलती ना हो जाए ना, सारे डॉक्यूमेंट लिख लिए मैंने. एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट एंड कंप्लीशन लेटर. आप लोगों की जितनी भी आप लोगों ने अपनी एजुकेशन करी हुई है ना, 10th क्लास की, ठीक है, 12th की, बैचलर्स की, उसके बाद जो आपकी ये वाली डिग्री जो आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर बैचलर्स कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में तो बैचलर्स की, मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स की, या फिर जितने भी पढ़ाई करी हुई है 10th से लेकर उसके आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए. मतलब आप लोगों की वो ग्रेड शीट हो गई, मार्कशीट हो गई, ट्रांसक्रिप्ट समझ गए ना, तो उसके बाद वो चाहिए आप लोगों को. उसके बाद आप लोगों को चाहिए अपना पीटी करीबन मैंने दे ही दिया था, ठीक है, वो ब्लॉग देख सकते हो आप लोग, हाँ आई बटन में आ जाएगा, इधर आएगा आई बटन, इधर हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ मैं. तो पीटी के मैंने पूरा ब्लॉग बनाया था, कितने मार्क्स आए? तो 80 आए थे भाई, ठीक है, मतलब 90 में से 80 तो हाँ वो सब दिखाया हुआ है मैंने ब्लॉग में. उसके बाद आप लोगों को वो $400 का हो गया, कैलकुलेशन बताऊंगा. फिर AFP देना होता है, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक, वो आप लोगों को अप्लाई करना होता है, वो 2-3 दिन में आ जाता है, ठीक है, उनकी तरफ से कि आप लोगों ने कोई यहाँ पे दुर्घटना तो नहीं कर रखी है ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए. रुक जाओ ऐसे रख लेता हूँ मैं फ़ोन. हाँ तो आप लोगों को AFP चाहिए होता है. AFP मेरे को आ गया था, मैंने अप्लाई कर दिया था, पूरी फाइल क्रिएट करने में लगा लो हफ्ता भर लग गया था. उसके बाद इस वाली यूनिवर्सिटी से आपको कंप्लीशन लेटर भी चाहिए होता है कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है या इस दिन स्टार्ट हुई थी अब खत्म होगी ये डिग्री, ठीक है. उसके बाद आप लोगों को चाहिए एनी यूटिलिटी बिल ऑन योर करंट एड्रेस, ठीक है. ये पूरी लिस्ट मेरे को होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस ने भेजी थी, तो वही मैंने आप लोगों को बता दी. चेकलिस्ट होती है एक तरीके से, तो कोई भी आपके नाम पे कोई बिल होए यहाँ पे, ठीक है, वो सब चाहिए होता है. और एक आध और फॉर्म होता है, शायद फॉर्म 80 होता है, और एक और होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है ईजी सा भरने के लिए. ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. तो वंस यू गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आप लोगों की एक ड्राफ्ट फाइल तैयार होती है. वो ड्राफ्ट फाइल मेरे को मिली होलिस्टिक की टीम से. उसके बाद भाई क्या हुआ, उसके बाद आपको ना मेडिकल बुक करना होता है. तो मेडिकल आप लोग ऑनलाइन BUPA की वेबसाइट से जाके बुक करते हो, मेडिकल फॉर वीज़ा 485. तो जैसे आप लोग वो बुक करते हो, वो मेडिकल होता है करीबन $400 का, ठीक है. तो PT की 400, मेडिकल 400, और आपकी जो वीज़ा की जो फाइल होती है, जो वो होम अफेयर्स वाले फीस लेते हैं, वो होती है भाई 1700. तो कितना खर्चा हो गया, 1700 और 400 2100 और 400 $2500 सिर्फ TR अप्लाई करने के, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है भाई. और ऑफकोर्स पासपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है. एक और यहाँ आपकी नेशनल ID चाहिए होती है आप लोगों को, जो कि होती है भाई मोस्टली सब लोगों के पास. तो ये था भाई मेरा वीज़ा वर्क वीज़ा अप्लाई करने के सारे डॉक्यूमेंट्स. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, वीडियो से हेल्प मिली होगी. और भाई अब स्टूडेंट वीज़ा हम होल्डर नहीं रहे, ठीक है, तो अब जैसा जैसा लाइफ में चलता रहता है वो आप लोगों को दिखाते रहते हैं हम. तो हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी चलेगी तो लाइक कर देना, कुछ सब्सक्राइब कर देना. मैं आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये लव मेलबर्न बॉयफ्रेंड है. कितना चटक हो गया भाई बॉयफ्रेंड है. पीस.